आज हम लोग बनाएंगे सिंधी थदड़ी स्पेशल मीठा लोला। ये मीठा लोला सबको बहुत पसंद आता है, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो इसका आटा कैसे बनाएं और बढ़िया से लोले कैसे बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे शक्कर। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट का जो कप आता है 1 कप, मैंने वो लिया है। 1 कप शक्कर ली है और उसमें डाला है आधे कप से भी कम पानी। शक्कर में पानी डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे जैसे शक्कर जो है अच्छे से पिघल जाए, करीबन 20 से 25 मिनट। देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, शक्कर अच्छे से गल चुकी है पर अभी भी कुछ दाने दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग छान लेंगे छन्नी की सहायता से। इसे छान लेंगे हम लोग। और इसे अलग करके रख देंगे। अभी एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे गेहूं का आटा। 1 कप शक्कर ली है तो उस पे डालेंगे हम लोग 2.5 कप गेहूं का आटा। साथ में डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहें तो 3-4 इलायची को कूट के डाल सकते हैं। आधा कप तेल डालना है इसमें, आप चाहें तो असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरा नहीं डाला है, आधे से ज़्यादा डाल दिया है इसे, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। दो चार मिनट इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद बचा हुआ तेल डाल देंगे। इस तरह से देखिए मुट्ठी बांध के देखेंगे, मुट्ठी बंद रही है मीन्स तेल की मात्रा बराबर है, जिसे मोहन कहा जाता है। अगर ये मुट्ठी नहीं बनती है मतलब हमें तेल और डालना है, पर ये परफेक्ट है। अभी जो हमने चाशनी बना के रखी है वो चाशनी का इस्तेमाल करके हम लोग आटा गूंदेंगे। चाशनी एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। लोला बनाने के लिए सबसे मेन स्टेप जो रहता है इसका आटा बनाना। आटा परफेक्ट बनेगा तो लोला बहुत ही बढ़िया बनता है, तो ध्यान रहे चाशनी एक साथ नहीं डालें, थोड़ी थोड़ी करके डालें। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे गूंद लेंगे। थोड़ा सा और चाशनी डाल रही हूँ मैं। जब तक ये अच्छे से बाइंड हो तब तक हमें थोड़ी थोड़ी चाशनी डालनी है। देखिए अभी बंधना स्टार्ट हो गया है, कुछ मिनट और इसे हम लोग गूंदेंगे। हाथों में नॉर्मल पानी ले लेंगे, हल्का सा पानी लेके इसे अच्छे से मसल के आटे को बाइंड करना है हमें। आटा सख्त गूंदना है, चपाती और पूरी से आटा सख्त होना चाहिए, मिनिमम पानी का इस्तेमाल करना है। हमारी लगभग पूरी चाशनी आटा गूंदने में लग चुकी है, सिर्फ 2 चम्मच के करीब बचा है जो पूजा में यूज़ होता है। वो पूजा कैसे करें उसका वीडियो मैंने पहले ही डाला है, थदड़ी की पूजा या थदड़ी की कथा, उसमें मैंने बताया है कि पूजा कैसे करें। देखिए आटा बन चुका है, अभी इसमें से बनाएंगे लोले। तो सबसे पहले लोले स्टार्ट करने के पहले बनाई जाती है अखड़ियाँ जो पूजा में यूज़ होती है। इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन लेके इस तरह से अखड़ियाँ बनाई जाती है। ये अखड़ियाँ पूजा में यूज़ होती है। ये पूजा कैसे करें इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखें। अभी आइए लोला बनाना स्टार्ट करते हैं। लोला बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे आटे का, चपाती से थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये चपाती से मोटा रहता है। इसे बेलेंगे हम लोग अभी। इसके बाद फोक ले लेंगे और उससे प्रिक करना है जैसे अंदर से अच्छे से पके।
कभी-कभी आटा ड्राई होने की वजह से बेलने के टाइम पे इस पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो इस तरह से हमें प्रेस करना है और फिर से बेलें, और प्रिक करने की वजह से ये अच्छे से अंदर से पक जाता है। इसे पकाने के लिए तवे को बिल्कुल छोटी गैस पे रखें और उसके बाद बिल्कुल आंच को धीमा कर देना है, और धीमी आंच पे लोले को बनाते हैं हमेशा। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। आधा सेकने के बाद इसके ऊपर डालेंगे तेल और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकाना है हमें, सुनहरी कलर हो जब तक। धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये जलेगा भी नहीं क्योंकि शक्कर का हमने इस्तेमाल किया है, तो वो जल्दी से पक जाता है। गुड़ वाला लोला कैसे बनाए उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखें। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और थदड़ी की कथा कैसे करें, और थदड़ी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हैं, ज़रूर चेक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।